हाय देयर, नमस्ते, वेलकम टू फिट तक। माय नेम इज नवीन शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसे प्राणायाम जो कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को काम रख सकते हैं और अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए चलते हैं अब इन 5 प्राणायाम की तरफ। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया भी है और एक प्राणायाम भी है। तो करते कैसे हैं कपालभाति को, क्विकली देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको अच्छे से बैठ जाना है, कंफर्टेबली पीठ को सीधा रखते हुए। अगर इस तरीके से बैठने में कोई भी तकलीफ है तो आप एक चेयर पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपकी पीठ सीधी रहे। और अगर आप नीचे बैठ रहे हैं और आपको लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप एक हार्ड कुशन ले सकते हैं या फिर आप एक योगा ब्लॉक ले सकते हैं। आप उसको अपने हिप्स के नीचे रखें, अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। उसकी वजह से जब आपके नीज और हिप्स ऑलमोस्ट एक लाइन में होंगे तो आपको लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आप ज़्यादा समय तक अपनी बैक को, अपनी पीठ को सीधा रख सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। तो ये हो गया किस तरीके से बैठना है। अब कपालभाति कैसे करते हैं उसको क्विकली देख लेते हैं। कपालभाति में हम करते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड पैसिव इन्हेलेशन। इसको देखिए, अब दोनों हाथों को आप चिन मुद्रा में लेते हैं, आपके इंडेक्स फिंगर और थंब एक साथ रहते हैं, पाम्स ऊपर की तरफ, पीठ सीधी, और अब आप देखेंगे फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड पैसिव इन्हेलेशन। तो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सहेल कर रहा हूँ फोर्सफुली अपने पेट को अंदर लेते हुए। जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो मैं अपने पेट को रिलैक्स कर रहा हूँ, और आप मेरी आवाज़ उस टाइम पे नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि बहुत पैसिवली कर रहा हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा उस पर। सो इसी तरीके से आपको करना है कपालभाति। आप इसको कर सकते हैं 2 से 3 राउंड, और हर राउंड को आप कर सकते हैं या तो ड्यूरेशन के हिसाब से 30 seconds to 1 minute, और या फिर नंबर ऑफ राउंड्स के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको 30 से 50 राउंड एक साइकिल में कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की, लोअर बैक की, एब्डोमिनल रीजन की, सीवियर एसिडिटी की, तो आपको ध्यान रखना है कि कपालभाति आपको नहीं करना है। और अगर इनमें से किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप करेंगे एब्डोमिनल रीजन ब्रीदिंग। इस तरीके से किया जाता है उसको। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपना राइट हैंड अपने पेट के ऊपर लेते हैं, सांस लेते हुए आप अपने पेट को एक्सपैंड करते हैं और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगेन, जिससे जैसे मैंने आपको बताया कपालभाति के लिए भी, इसको भी आप 2 से 3 राउंड्स तक कर सकते हैं, 30 से 50 राउंड्स कर सकते हैं एक साइकिल में, और टोटल 3 राउंड कर सकते हैं। एक और बात, कपालभाति करते हुए ध्यान रखें कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, बहुत रिलैक्स्ड रहने चाहिए जब आप कर रहे हैं, और आपके कंधे बार बार ऊपर नहीं होने चाहिए जब आप कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही आराम से इसको किया जाता है, दोनों हाथों को चिन मुद्रा में रख के, और आप थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं हर स्ट्रोक के बीच में, ये क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ा देगा। कपालभाति बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा लाने के लिए, और आपके मन को शांत करने के लिए भी। तो ये था हमारा पहला प्राणायाम। चलिए दूसरे प्राणायाम की तरफ चलते हैं। दूसरा प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम भी काफ़ी सिमिलर है कपालभाति की तरह। कपालभाति जिस तरीके से आपको बहुत ऊर्जा प्रदान करता है, सूर्यभेदी भी आपको बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी बहुत अच्छा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। इसमें भी आपको पीठ सीधी रखनी है। आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को अपने रिंग फिंगर से और अपनी लिटिल फिंगर से क्लोज करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। यहाँ से फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रल से। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे। दोबारा से आप लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से सांस लेंगे, और दोबारा से आप लेफ्ट को सांस छोड़ेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है सूर्यभेदी को। आपकी राइट नाड़ी इज, राइट नॉस्ट्रल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूर्य नाड़ी, इसीलिए इसको सूर्यभेदी भी कहा जाता है। तो ये था आपका सूर्यभेदी प्राणायाम। अगर आपको हाइपरटेंशन है, बीपी हाई है, तो ये प्रैक्टिस आपको अवॉइड करनी है।
इंस्टेड ऑफ दिस आप कर सकते हैं एब्डोमिनल रीजन ब्रीदिंग, जो कि हमने इससे पहले देखा था। सांस लेते हुए आप अपने पेट को एक्सपैंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेंगे। तो ये था हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। चलिए अब तीसरे प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तीसरा है इसका जस्ट ऑपोजिट, सूर्यभेदी का जस्ट ऑपोजिट चंद्रभेदी प्राणायाम। और इसमें इसका पूरा प्रोसेस भी ऑपोजिट है। पिछली बार आपने राइट से सांस ली थी, लेफ्ट से छोड़ी थी, इस बार आप लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। दोनों हाथ सबसे पहले चिन मुद्रा में, उसके बाद आप क्लोज करेंगे आपकी राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट से आप सांस लेंगे और लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। दोबारा से वही, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। तो इस तरीके से चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है। और योग में आपकी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ चंद्र नाड़ी, इसीलिए इसको चंद्रभेदी भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया किस तरीके से करना है इसे, बट किसको अवॉइड करना है इसे। अगर आप लो बीपी से सफ़र कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस ना करें। इंस्टेड आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप सूर्यभेदी प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको किसी भी तरीके का लो बीपी का इशू है। और जब हाई बीपी का इशू है तो आपको सूर्य भेदी अवॉइड करना है, और आपके लिए चंद्रभेदी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। लेकिन अगर आपको लो बीपी है और चंद्रभेदी नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं एब्डोमिनल रीजन ब्रीदिंग, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये था हमारा तीसरा प्राणायाम। चलिए अब चौथे प्राणायाम की तरफ चलते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन है सूर्यभेदी का और चंद्रभेदी का, और ये एक बैलेंस लेकर आता है आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में। राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन गेट्स बैलेंस्ड। आपकी पूरी बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी गेट्स बैलेंस्ड इस प्राणायाम की वजह से। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। करते कैसे हैं इसे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, पीठ को सीधा रख के दोनों नॉस्ट्रल से सबसे पहले आप सांस लेंगे, उसके बाद सांस छोड़ेंगे, उसके बाद आप क्लोज करेंगे आपकी राइट नॉस्ट्रल। आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबी गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, उसके बाद आप राइट से लंबी गहरी सांस लेंगे, राइट को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका एक राउंड। इसी तरीके से आप और राउंड्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम तीन राउंड्स कर रहे हैं हर एक राउंड को, या फिर आप एक मिनट, या तो आप एक मिनट के लिए कर सकते हैं या फिर आप 20 से 30 राउंड्स कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी इनहेल और एक्सहेल दोनों एक समान हैं। कहने का मतलब है, अगर आप 3 से 4 काउंट इनहेल कर रहे हैं तो 3 से 4 काउंट एक्सहेल भी करें, और दोबारा से भी उसी तरीके से फॉलो करें। इससे आपको बैलेंस लाने में बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, हर कोई कर सकता है इसको, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसका, और आप इसको सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। चलिए अगला प्राणायाम देखते हैं, जो कि आखिरी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही अच्छा है आपके आपको अपने आप को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए सेकंड्स में। कभी भी आपको एंग्जाइटी फील होती है तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है आपको रिलैक्स करने के लिए। इसको करते कैसे हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। दोनों हाथों को आप चिन मुद्रा में रख सकते हैं, आँखें बंद कर सकते हैं, लिप्स को एक साथ रखेंगे और अंदर की तरफ आपके टीथ ऊपर के और नीचे के थोड़े से दूर रहेंगे। फिर यहाँ से आप लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप क्रिएट करेंगे हमिंग बी का साउंड। तो इस तरीके से आपको साउंड क्रिएट करना है। आपको ध्यान रखना है कि साउंड बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे नहीं क्रिएट कर रहे हैं आप, और जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो ये आप क्रिएट कर रहे हैं सांस छोड़ते हुए। आपकी सांस छोड़ने की प्रक्रिया ख़त्म हुई, आपका साउंड भी ख़त्म होगा, और दोबारा से आप सांस लेंगे और दोबारा से आप हमिंग का साउंड कर सकते हैं। ये है आपका भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी सभी लोग कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है अपने आप को डी-स्ट्रेस करने के लिए और रिलैक्स्ड फील करने के लिए। कुछ बातें सभी प्राणायामों के लिए मैं बताना चाहूँगा। किसी भी प्राणायाम को जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका पेट खाली है। तो या तो आप इसको सुबह कर लें सबसे पहले, और या फिर आप इसको शाम को कर लें, जहाँ पे आपने 3 से 4 घंटों का गैप कम से कम दिया हुआ है आपके मील्स में और आपकी प्रैक्टिस में। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान रखें कि जिस भी एनवायरनमेंट में हैं आप, वो बहुत ही क्लीन है,
बहुत ज़्यादा धूल या फिर किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं है वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड तरीके से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। और तीसरी चीज़, सभी प्राणायामों को, अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आपकी लोअर बैक में, घुटनों में, नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं आराम से, तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप नीचे बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा समय तक कंफर्टेबली अपनी बैक को सीधा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को, एक हार्ड कुशन ले लीजिए या फिर योगा ब्लॉक ले लीजिए, उसको अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, हिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ये आपकी बहुत मदद करेगा अपने आप को, अपनी पीठ को सीधा रखने में और कंफर्टेबली सीधा रखने में। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ऐसे प्राणायाम जो मैं रेकमेंड करूँगा आप रोज़ करें। डेफिनेटली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को फॉलो करें, जब भी मैंने बताया है ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, उस बात का ध्यान रखें, लेकिन रोज़ करें, सुबह और शाम अगर दोनों करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको ये हेल्प कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। अब तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, नमस्ते।